नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज बिहार बीजेपी के तमाम जितने बड़े नेता हैं वे विधानसभा काले गमछे के साथ पहुंचे। देखिए, काला कपड़ा उन्होंने धारण कर रखा था, काला पट्टी भी उन्होंने हाथ पर बांध रखा था, क्योंकि काले रंग की पट्टी बांध कर वे विरोध कर रहे थे। कल जिस तरह से बीजेपी के विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पीटा गया, लाठीचार्ज की गई, क्योंकि वे विधानसभा मार्च कर रहे थे और प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुस गए थे। डाक बंगला चौराहे तक उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जब वे नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज की गई। लेकिन आज जब बीजेपी के तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं, विधायक, विधान पार्षद, सभी विधानसभा में मार्च कर रहे थे, राजभवन मार्च किया उन्होंने, राजभवन गए, महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है और नीतीश कुमार की सरकार पर, इस महागठबंधन की सरकार पर ढेर सारा इल्ज़ाम लगा है। लेकिन ऐसे में एक ऐसे भी बीजेपी के विधायक हैं जो नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज बिहार विधान परिषद के एनेक्सी बिल्डिंग में अल्पाहार जहां लोग करते हैं, कैंटीन, उसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल्पाहार गृह का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे, साथ में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेशचंद ठाकुर मौजूद हैं, विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं वे मौजूद हैं। उन्होंने अल्पाहार गृह का शुभारंभ किया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधान परिषद से, जहां पर नीतीश कुमार ने करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुए इस अल्पाहार गृह का शुभारंभ किया है और देवेशचंद ठाकुर भी वहां मौजूद थे। लेकिन परिषद अल्पाहार गृह के उद्घाटन समारोह में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, देखिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ से जीत कर आते हैं, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र है उनका और बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू नीतीश कुमार के संघर्ष के दिनों से ही उनके साथ रहे हैं और कह सकें दोस्त हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू आज के दिन भी नीतीश कुमार के ही साथ दिखे हैं। उस वक्त जब पूरी बीजेपी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना चाहती है, बीजेपी की अगर हम बात करें, बिहार में कुल 78 विधायक हैं उसके पास, और 78 विधायकों में से आपने देखा है एक विधायक तो फिलहाल नीतीश कुमार के साथ ही दिखे हैं। क्या सच में सिर्फ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ही नीतीश कुमार को अच्छे लगते हैं? बीजेपी के विधायक हैं, नीतीश कुमार के पास दिखे, उस कार्यक्रम में दिखे, अल्पाहार गृह का जब शुभारंभ किया गया उस उद्घाटन समारोह में दिखे हैं, ठीक उसी वक्त जब राजभवन मार्च कर रहे थे बीजेपी के तमाम विधायक। तो सच में क्या बीजेपी के सभी विधायक इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं? क्या जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं सुबह से, आप जितनी तस्वीरें देख रहे हैं, जितने विजुअल्स देख रहे हैं, जिसमें सभी काले गमछे के साथ आपको दिख रहे होंगे, काला वस्त्र धारण किया उन्होंने, आज के दिन शुक्रवार के दिन जब बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था, उस दौरान भी क्या सच में सिर्फ एक ही विधायक नीतीश कुमार को पसंद आ रहे हैं, या ऐसे ऐसे और भी हैं, कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो नीतीश कुमार को अच्छे लगते हैं? और अगर बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार को पसंद हैं, अच्छे लगते हैं, उनके साथ रहते हैं, संबंध बेहतरीन है, तो फिर ये बीजेपी के लिए खतरे की बात है। देखना होगा क्या सच में महागठबंधन में होने वाली टूट, जेडीयू में होने वाली टूट का दावा करने वाली बीजेपी को कहीं झटका न लग जाए। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू तो आज नीतीश कुमार के साथ मुस्कुरा रहे थे, क्या बीजेपी का राजभवन मार्च सच में सभी विधायकों के साथ सफल रहा? ये एक चिंता का विषय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।